मुजफ्फरपुर के शाही लीची का दिखा जलवा। सिर्फ बिहार ही नहीं, अरब के देशों में भी लोग हुए शाही लीची के दीवाने। इसके अलावा दुनिया के सबसे बड़े लुल्लू मॉल में भी बेची जाएगी मुजफ्फरपुर की शाही लीची। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। अब बिहार के मुजफ्फरपुर की शाही लीची का कमाल सिर्फ बिहार में ही नहीं बल्कि अब अरब देशों में भी देखने को मिलेगा। अरब देशों के लोग भी अब इस शाही लीची के दीवाने हो चुके हैं। मुजफ्फरपुर के लीची किसानों के लिए अच्छी खबर है। अब यहाँ की शाही लीची संयुक्त अरब अमीरात में भेजी जा रही है, वहाँ के मार्केट में इन लीचियों को बेचा जाएगा। इससे बिहार के लीची किसानों को फायदा भी मिलेगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर क्या है पूरा प्लान। तो बिहार के मुजफ्फरपुर की शाही लीची का स्वाद अब संयुक्त अरब अमीरात में रह रहे लोग भी चखेंगे। पहली बार बिहार से करीब 3000 किलोमीटर दूर सऊदी अरब के शारजाह में शाही लीची भेजी जाएगी। इसकी पहल देश और दुनिया के सबसे बड़े मॉल की कंपनी लुल्लू कर रही है। लुल्लू मॉल के प्रतिनिधियों ने बिहार लीची उत्पादक संघ से संपर्क किया। ऐसा पहली बार हो रहा है कि जब खाड़ी देशों के शहरों के मॉल में मुजफ्फरपुर की शाही लीची लोग खरीदेंगे और इस शाही लीची का स्वाद चखेंगे। कंपनी की ओर से ट्रायल के तौर पर पहले 1 टन शाही लीची शारजाह भेजी जा रही है। इसको लेकर गुरुवार को लखनऊ से कंपनी के प्रतिनिधि बिहार के बांद्रा में लीची के बाग में खरीदारी करने पहुंचे। आपको बता दें कि जिले में 12,000 हेक्टेयर में लीची की खेती होती है और हर एक साल 1 लाख टन लीची का उत्पादन होता है। कंपनी के ऑर्डर के अनुसार गुरुवार को मुजफ्फरपुर में शाही लीची पैक होकर बनारस के लिए रवाना हो रही है। फिर बनारस से मुजफ्फरपुर की शाही लीची फ्लाइट की सवारी करेगी। फ्लाइट के जरिए लीची को संयुक्त अरब अमीरात भेजा जाएगा। लुल्लू मॉल के प्रतिनिधि दीपक मिश्रा ने इस पूरे मामले पर बताया कि हमारी इंटरनेशनल टीम के हेड मयूसुफ अली मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हम लोग आज पहली खेप वाराणसी भेज रहे हैं। यहाँ से ये खेप शारजाह एयरपोर्ट भेजी जाएगी, फिर गल्फ कंट्री में इसे बेचा जाएगा। वो इस मुजहर उड़ाए हुए और किस प्रकार की लीची खरीद रहे हैं और क्या तैयारी है, कहाँ कहाँ भेजी जाएगी? हम लोग जो है लुल्लू ग्रुप का, जो लुल्लू इंटरनेशनल हमारा, उसका एक डिवीजन है जो एक्सपोर्ट करता है। फेयर एक्सपोर्ट इंडिया लखनऊ हमारा ऑफिस है और वहाँ से हम लोग आए हैं। पीछे हमारे यहाँ की और भी टीम सब लोग आए थे। हम लोग पिछले 10-15 दिन से लीची पर वर्कआउट कर रहे हैं और लीची अभी जो भेजने काम है, बेसिकली है क्या कि जो हमारे चेयरमैन साहब हैं एम यूसुफ साहब, वो केरला से ही बिलोंग करते हैं, जो लुल्लू ग्रुप के मालिक हैं, और उनकी ये पहल है कि हमारे यहाँ, हम भारत में ज़्यादा से ज़्यादा आपने चीज़ों को बढ़ाएं और भारत से यहाँ से मुजफ्फरपुर से कहाँ पर जाएगी और वहाँ से फिर कहाँ कहाँ जाना है इस लीची? ये लीची जाएगी यहाँ से मुजफ्फरपुर से हम लोग वाराणसी भेजेंगे, वाराणसी से बाई एयर शारजाह जाएगी, वहाँ से हमारे गल्फ कंट्री में दुबई के लिए और भी विभिन्न कंट्रियों में है वहाँ के लिए जो है उस डिस्प्यूट हो। तो गल्फ कंट्री और दूसरे देशों में, खास सऊदी अरब जो है, तो वहाँ के लुल्लू मॉल में अब शाही लीची बिकेगी? बिल्कुल, ऐसा हमारा जो फूड एंड इसका फ्रूट का, वेजिटेबल फ्रूट के जो लुल्लू इंटरनेशनल का पूरा देखते हैं डिवीजन, वो एम.ए. सलीम साहब हैं, उनका पूरा वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं और पूरी टीम, मतलब कि जो इंडिया के एक्सपोर्ट डिवीजन के हेड हैं नेमुद्दीन साहब हैं, सब लोग कर रहे हैं। लियो जो है, सारे लोग जो है हमारे यहाँ मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उसके बाद जो है इसका पूरा ये प्लान है कि हम लोग मुजफ्फरपुर की लीची अपने लुल्लू मॉल तक पहुँचाएँ। हमारे लखनऊ में जो है वो लियो जो अलापट साहब हैं, जो GM साहब हैं हमारे, वो पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और उन्हीं के नेतृत्व में यूपी बिहार में, यहाँ नॉर्थ इंडिया में फ्रूट और वेजिटेबल का काम शुरू हुआ है। और आज तो शुरुआत हुई, आज से शुरुआत हो गई, सऊदी अरब लीची जाएगी, लेकिन क्या उम्मीद है आगे, कितने लीची भेजने की उम्मीद है? अभी हम लोग फर्स्ट टाइम बिहार से लुल्लू ग्रुप या फेयर एक्सपोर्ट फर्स्ट टाइम बिहार से भेज रहे हैं। लुल्लू मॉल के इस कदम से लीची के किसान काफी खुश हैं। इन किसानों को उम्मीद है कि अब उन्हें लीची की और बेहतर कीमत मिलेगी। अब हम लोग को उम्मीद है कि आगे चल करके हम लोग को अब अच्छी रेट मिलेगी। पहले एक टाइम था जब हम लोग को एक सही रेट नहीं मिल पाता था, लेकिन अब लुल्लू कंपनी के आने की वजह से लग रहा है कि अब हम लोग का रेट लीची का अच्छा रहेगा। खुशी खुश है, हम लोग अच्छे हैं, खुश हैं कि हम लोग जो यहाँ पर आए हैं बिहार में, पहली बार आए हैं, हम लोग अच्छा लग रहा है। और इसी के साथ मुजफ्फरपुर के शाही लीची ने बिहार के साथ साथ अब अरब देशों में भी अपना जलवा दिखाया है। मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा की रिपोर्ट, बिहार तक।